अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास KG 2। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर पेज नंबर 32 इन विच देयर इज़ एन असेसमेंट। हमें इस असेसमेंट को कंप्लीट करना है। जो हमने चैप्टर में पूरे चैप्टर यूनिट 2 में पढ़ा वो हम यहाँ पर टेस्ट देंगे एक तरह से। ये मैं आपको आपका टेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन द सेकेंड क्लाउड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इनको काउंट करके यहाँ पर सेकेंड वाले क्लाउड में लिखना है। देन राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। फिर इससे पहले वाला जो नंबर है बिफोर, वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन ए कम्प्लीट करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और वॉट कम्स बिफोर 4, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब सेकेंड वाला बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। सेकेंड वाले क्लाउड में हम ये काउंट करके लिखेंगे, और 6 से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 6, तो हम वो लिखेंगे। 6 से पहले क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या आया, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। इसी तरह ये 4 आप खुद कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट 3 नंबर्स इन न्यूमेरल्स। ये जो लिखे हुए हैं 3 नंबर, उनको हमें नंबर या न्यूमेरल्स में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 19, हम 19 किसको कहते हैं, 1919 को कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1919। इसी तरह 18, 1818, बाकी आप खुद फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, राइट 3 नंबर्स इन इनवर्ड्स। हमें इन नंबर को क्या करना है, इनवर्ड में लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है, 15। 15 की स्पेलिंग क्या है, FIFTEEN, 15। इसी तरह 18, 19, 13, 14, 16। अब हम आते हैं पेज नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट एंड राइट लेस और ग्रेटर देन द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये जो आपके लिए है ये कंप्लीट किया हुआ है, मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। अब कौन सा नंबर बड़ा है, 7 या 9, ऑब्वियसली 9, तो हम क्या करेंगे, उसकी तरफ इस एलिगेटर का मुंह खोलेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। ये साइन यूज़ होता था ग्रेटर के लिए। अब हम यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम इसमें काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हैं, 12। अब इस साइड की काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। अब देखते हैं 12 नंबर बड़ा है या 18, ऑब्वियसली 12, तो हम इसकी तरफ एलिगेटर का मुंह खुला रखेंगे और ये वाला साइन लगाएंगे। वो किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन के लिए, 12 इज़ ग्रेटर देन 8। अब ये 4 बॉक्सेस आप फिल करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें है काउंट एंड ऐड। इन सबको काउंट करते हुए हमें एडिशन करना है, ऐड करना है, प्लस करना है या जमा करना है। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 प्लस 1, 2, 2। अब हम इन सबको साथ काउंट करके इस बॉक्स को फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। इसी तरह नेक्स्ट 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, ऐड 4 प्लस 4, 2 प्लस 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब ये दोनों आप खुद फिल करेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 34 की तरफ, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है या कम करना है। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ये डन किया हुआ है, बाकी हमें करने हैं। बताती हूँ कैसे किया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, हम 2 स्टार्स बनाएंगे, 1, 2, माइनस 1, तो हम इसमें से 1 कैंसिल करेंगे। अब कितने रिमेनिंग है, क्या रह गया, 1 रह गया, 1 स्टार रह गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। इसी तरह 3 माइनस 2, तो हम यहाँ 3 सर्कल बनाएंगे, 1, 2, 3, अब -2, 1, 2, अब कितने रिमेनिंग हैं, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। इसी तरह बाकी बॉक्सेस आप फिल करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, राइट यस और नो इन द क्लाउड। यस और नो इन द क्लाउड, अब यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक ये आंसर सही है या नहीं। अगर सही होगा तो हम यहाँ लिखेंगे यस, और अगर नहीं होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो।
हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले सिक्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिक्स स्टार्स बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्या करना है, प्लस थ्री, थ्री प्लस करने हैं, वन टू थ्री। अब इन सबको साथ काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आंसर क्या आया, नाइन। और जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेवन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये आंसर गलत है तो हम क्या लिखेंगे, नो, ये इसके इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे नो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें है थ्री माइनस टू। वन टू थ्री माइनस टू, वन टू। अब कितने रिमेनिंग है, वन, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइव। तो कि ये गलत है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें है सिक्स माइनस टू। यहाँ हम बनाएंगे सिक्स लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब माइनस कितने करने हैं, माइनस टू, वन टू। नाउ लेट्स काउंट जितने रह गए, वन टू थ्री फोर इज इक्वल टू फोर, मतलब ये आंसर सही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस। उम्मीद है कि ये सारा आपको तीनों पेज अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अपना टेस्ट अच्छे से करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।